गिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो, या क्या करना, आई डोंट नो, आप अपने बारे में क्या करते हो, अच्छे समय में, बुरे समय में चैलेंजेस आ जाते हैं, तो क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइफ है चैलेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैलेंज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि अगर हम जिंदा हैं तो ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम आती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, भाग थोड़ी सकते हैं उन सब चीजों से। आप क्या सोचते हो अपने फ्यूचर के बारे में? मैं अक्सर बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, मैं देखता हूं लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचते। और तो मुझे एक कहानी आ जाती है कि फ्यूचर क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सोचना फ्यूचर के बारे में। तो कहानी सुनना चाहोगे? एब्सोल्युटली। कहानी बहुत सिंपल है कि एक राजा था, एक राज्य था, एक स्टेट था, जैसे कलकत्ता। अब हर 5 साल में यहां पे एक राजा बनता था, राइट? और वो जो राजा बनता था, हर 5 साल में कमेटी होती थी और वो एक राजा को चुनती थी और उसे 5 साल के लिए कलकत्ता को हेड करना होता था, वेस्ट बंगाल को हेड करना होता था। अब वो जो राजा था, राजा 5 साल के लिए राजा होता था, 5 साल जैसे ही पूरे होते थे, उस राजा की एक खास चीज होती थी उस वहां पे, कि उस राजा को एक हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता था, राइट? और जंगल, एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें सबसे शेर और चीते, सबसे खूंखार जानवर रहते थे, उस जंगल के बीचों बीच ले जाके हेलीकॉप्टर से उस राजा को धक्का दे दिया जाता था। सिंपल, कि 5 साल ऐश और 5 साल के बाद राम नाम सत्य है। सिंपल। आप लोग राजा बनना चाहोगे? तो अक्सर मैं पूछता हूं, क्या अगर ऐसा एक राज्य आपके पास हो तो क्या आप राजा बनना चाहोगे? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ, कई लोग बोलते हैं ना, राइट? अपने आप। और उस राज्य में एक लड़का रहता था, छोटा था, 22-23-24 साल का, 24-25 साल का था वो, और बहुत फेमस था वो, लोग जानते थे, बहुत फेमस था वो, हर चीज में बहुत तेजी से आगे बढ़ के काम वाम करता था कुछ, तो बहुत फेमस था। तो ऐसे ही 5-5 साल बाद वो राजा चेंज होते थे और उनको 5 साल बाद जाके जंगल में फेंक दिया जाता था, जानवर खा जाते थे, दैट्स ऑल। और ऐसे करते करते जो लड़का था, जो 25-26 साल का था, क्या हुआ कि कमेटी जो थी, जो राजा चुनती थी, जो नेक्स्ट राजा जब चुनना था, तो लोग बहुत डरते थे, लोग कहते थे यार 5 साल तो ऐश कर लेंगे बट उसके बाद तो मौत ही मिलनी है, तो राजा बन के क्या फायदा, छोड़ना, नॉर्मल जिंदगी 100 साल जी लूंगा, 80 साल जीऊंगा, यहाँ तो 5 साल के बाद ही मौत है, क्यों जीऊँ मैं ऐसी जिंदगी, भाई ऐश की जिंदगी तो है बट उसके बाद मौत ही है, क्या फायदा, इससे अच्छे तो पूरी जिंदगी जीऊँ 70-80 साल। बट अब वो कमेटी चुनती थी, तो जो कमेटी को अगला राजा जब चुनना था, तो कमेटी ने क्या किया, उस लड़के को अगला राजा चुन लिया, उन्होंने कहा यार यूथ को चुन लेते हैं भाई इस बार। अब वो जो राजा पहले दिन बना, अब जैसे ही बना तो उसे बोला जी आपको राजा बनना है, और कोई मना नहीं कर सकता था, जिसको भी राजा कमेटी बना देती। अब उसने कहा भाई बनना है बनना है, खत्म बात, उसको भी राजा बना दिया गया। अब पहले दिन जैसे ही उसे राजा बनाया, वो गद्दी पे बैठा, सीट पे बैठा, उसका राज तिलक हुआ और बड़े बड़े पार्टी शाडी ये सब हुई। अब वो तो सोच रहा था क्या कि मतलब आज से ठीक 5 साल बाद निकल जाऊंगा, बट वो थोड़ा सा स्मार्ट भी था। जैसे उसका राज तिलक हुआ, पहला दिन शाम हुई, अपने राज उस में जो ऑफिस होता था राजा का, उससे बाहर अपने घर आया, अपने महल में आया, अपने सेक्रेटरी को बुलाया, मतलब अपने व्यक्ति को उसको बुलाया, उसको बोलता है भाई मुझे एक बात बता, ये 5 साल बाद तुम राजा को कहां ले जाके फेंकते हो? उसने कहा सर अभी तो आज ही तो बने हो, आज क्यों पूछ रहे हो? कह रहा नहीं नहीं तू बता। कह रहे सर बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं। कह रहे नहीं मुझे अभी वो जगह देखनी है। अब वो लड़के ने कहा मेरे को वो अभी जगह देखनी है रात में, चल मेरे को वो जगह दिखा के ला। उसने कहा यार अब कहां जाओगे, 2-4 दिन ऐश कर लो उसके बाद दिखा दूंगा। कह रहा नहीं अभी चलो अभी। अब भाई राजा तो था ही, उसने बोला हाँ चलो भाई। उसने कुछ सेना ली थोड़ी सी, क्योंकि जानवर वानवर दे, सेना ली, मशाले ली और राजा को लेके वो जंगल के बीच में चल पड़े। अब जंगल के बीच में जाते रहे और उस जगह पे आए जहां पे राजा को फेंका जाता था।
देखा कंकाल पड़े हैं, खोपड़ियां छोपड़ियां पड़ी हैं, जानवर छोड़ते थोड़ी हैं कुछ भाई। उसने देख ली जगह, उसने कहा चलो वापस चलो। अब वो रात को वापस आ गया, राके सो गया। अगले दिन उठा, अगले दिन उस राजे के 200 बंदों को बुलाया, 200 लोगों को बुलाया। उसने कहा अपनी जिंदगी को वन ऑफ द बेस्ट बनाना चाहते हो? भाई राजा कह रहे हैं। 200 ने कहा हाँ मालिक बिल्कुल बनाना चाहते हैं, क्यों नहीं बनाना चाहते, बताओ क्या करना है। उसने कहा एक सीक्रेट मिशन है, ओके, ये किसी से बताना नहीं है। मैं तुम्हें एक काम दूंगा, तुम्हें वो काम करना है और 5 साल तक लगातार काम करोगे तुम मेरे साथ, और उसके बाद ऐश ही ऐश, ऐश। उसने कहा प्रभु बिल्कुल, आप बोलो क्या काम करना है। उसने कहा ठीक है, आज शाम को 8 बजे आ जाना। 200 लोगों को बोला। उन्होंने कहा ठीक है, और कहा इस बात को किसी को नहीं बताना, अपनी फैमिली फैमिली को बता दो, 5 साल के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, बस अब बस 5 साल बाद ही मिलूंगा। उन 200 ने कहा ओके सर, गए अपने घर में बता दिया फैमिली को, रात को 8 बजे आ गए। राजा ने उन 200 लोगों को लिया, फिर आर्मी 200 लोगों को लिया और वो फिर उसी जंगल में चला गया और कहा देखो ये जंगल है, तुम्हें आज से क्या करना है, ये जंगल की बाउंड्री है, शुरुआत है, तुम्हें ये जितने पेड़ दिख रहे हैं शुरू में इसे तोड़ काटना शुरू कर दो, सिंपल, और लकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दो। 3 महीने 4 महीने तुम्हें यही काम करना है। उन्होंने कहा जो आगे हम प्रभु, फटाफट उन्होंने के पास आरी थी, जो थी, उन्होंने खटाखट पेड़ काटना शुरू कर दिए और लकड़ों को स्टैक करना शुरू कर दिया। 5 और राजा अपने वापिस आ गया। 5-6 महीने बीत गए और वो लोग 200 के 200 लोग क्या कर रहे थे, लकड़े काट रहे थे, पेड़ काट रहे थे और लकड़ी को रख रहे थे, करते रहे। 6 महीने के बाद राजा ने कहा अच्छा चलो फिर मैं एक बार जाता हूँ। राजा फिर वहां पहुंचा और देखा उन्होंने बहुत सारे पेड़ काट दिए थे, बहुत सारे पेड़। उसने कहा वेरी गुड, अब एक काम करो, जितना तुमने लकड़े काटी हैं उन लकड़ों के जितनी जगह तुम्हें मिली है यहीं पे लकड़ों के घर बनाना शुरू कर दो, लकड़ों के घर बनाना शुरू कर दो। उन्होंने कहा जो आगे मालिक। राजा कह के फिर वापिस आ गया। अब ये लोग फिर 200 के 200 लोग अब क्या करने लगे, लकड़ों के घर बनाने लगे, अब जितनी लकड़ दी उसके घर बनाने लगे, जितनी जगह दी वहां पे घर बनाने लगे। 1 साल बीत गया, राजा फिर गया, कहा घर बन गए? उन्होंने कहा मालिक देखो 200-300 घर बन गए तो। वेरी गुड, अब एक काम करो दोबारा से 6 महीने पेड़ काटो, दोबारा से काटो। उन्होंने कहा ओके। फिर 6 महीने उन्होंने पेड़ काटे। फिर राजा 6-8 महीने बाद वहां गया, उसने कहा काट दिए? उसने कहा हाँ। कहते मालिक यहाँ जानवर बहुत आते हैं। उन्होंने कहा ओके एक काम करो, लकड़ों का एक जू बना दो, लकड़ों से एक चिड़ियाघर बना दो और जो जानवर आ रहा है उसे उस पिंजरों में डालते रहो, पिंजरों में डालते रहो, बस कुछ और नहीं करो, पकड़ो और उन पिंजरों में डालते रहो। राजा वापस आ गया, वो लोग फिर लकड़ काटने लगे, पेड़ काटने लगे और जो लकड़े बनी उसे जू बनाने लगे, जो जानवर आता उन्हें पिंजरे में डाल देते। 1 साल और बीत गया, 2.5 साल हो गए। राजा फिर गया, कह रहा क्या हुआ? कहता प्रभु ये देखो, सॉरी सर ये देखो राजा जी, जू भी बहुत बढ़िया बन गया, जानवर भी आ गए, ये घर भी बन गए। कह रहा वेरी गुड, कह रहा आप एक काम करो फिर लकड़ काटो, सेम काम। फिर राजा वापिस आ गया। 3 साल बीत गए, 3 साल बाद राजा फिर गया, कहा लकड़ काटी, चलो अब एक काम करो, अब फैक्ट्रीज बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, इसकी बड़े बड़े ऑडिटोरियम ये ऐसे बनाओ, जो लकड़ है उसको ऐसे यूज करो। 1 साल और निकल गया, 4 साल निकल गए। अब 4 साल में हुआ क्या? 4 साल में केवल एक चीज हुई कि वहां पे घर भी थे, वहां पे जू भी था, वहां पे फैक्ट्री ऑडिटोरियम सब कुछ था। राजा फिर गया, हाँ क्या बनाया, क्या हुआ? तो देखा ये देखो सर ये तो पूरा सब कुछ। कह रहा वेरी गुड, कह रहा और लकड़ काटो, 6 महीने और लकड़ काटो, 6 महीने और लकड़ काटी। फिर गया और बोला आप दुकानें बनाओ, छोटी छोटी दुकानें बनाओ। 5 साल बीतने में केवल 3 महीने रह गए। अब जो ये लड़का था अभी से तो पता था कि क्या कर रहा है 200 लोगों के साथ, राइट? अब ये लड़का जो था, जो कमेटी थी उनके पास गया, उनका कहा कि एक काम करो मुझे आज ही जंगल में फेंको। जो कमेटी थी उन्होंने कहा पागल है क्या, तेरे को मरने की इतनी ज्यादा अच्छी वो है,
तू इतनी जल्दी क्यों मरना चाहता है, 3 महीने है, 3 महीने और ऐश कर ले। वो कहता नहीं नहीं मुझे अभी फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अरे का नहीं नहीं सिस्टम है, हम तेरे को नहीं फेंक सकते, तेरे को यही रहना है, पूरे 5 साल बाद ही फेंकेंगे। चलो ठीक है। फिर चला गया जंगल में, वहां पे मुझे बोला सब देखा, उसने दुकानें बन गई और फैक्ट्री बन गई, पूरा जू बन गया। कहा ये सारी दुकानें 200 लोग तुम्हारी, अपनी यहाँ पे काम करना शुरू करो, ये घर तुम्हारे, ये एक घर सबका तुम्हारा, राइट, और जू में तुम्हारे को जॉब, ये तुम काम करना शुरू करो बस, ठीक है 5 साल पूरे होते मैं भी आ रहा हूं, और एक काम करो एक मेरे लिए भी एक महल बना दो। उन्होंने जो लकड़ी थी उसका एक बहुत अच्छा महल बना दिया। अब पूरे 5 साल खत्म हो गए दोस्तों, और 5 साल बाद ये लड़का तैयार, 30 साल का हो चुका था, 31 साल का, कह रहा चलो चलो जल्दी बिठाओ और मेरे को वहां छोड़ के आओ। बाकी सारे कह रहे यार पागल है क्या, इतना तेरे को मरने की ज्यादा है कि तू फटाफट जल्दी 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 जाना चाहता है। वो देखा कोई बात नहीं, मेरे को तो मैं जल्दी से जल्दी वहां छोड़ के आओ, बस दैट्स ऑल। जो थी चीज वो तो करनी थी, जो सिस्टम था उन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर में बनाया, वहां लेके गए और वहां पे फेंक दिया, छोड़ दिया वहां पे, खत्म। बट वहां पे क्या था, वहां पे कोई जंगल नहीं था, वहां पे एक अपना एक राज्य उसने खुद बना लिया था 5 साल बाद। जस्ट इमेजिन, आज आप क्या कर रहे हो दोस्तों, राइट नाउ ये डेट लिख लो कैलेंडर में जाके, 5 साल बाद आप अपने आप से पूछोगे यार ये 5 साल पहले मैंने शुरू किया होता तो आज मैं कहीं यहां होता। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हम सोचते तो हैं बट एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम करते कुछ नहीं है। शायद ये स्टोरी और बहुत सारे लोगों को ये सब चीजों का मतलब मालूम भी हो बट हम करते अ स्मॉल लिटिल सेविंग या छोटी सी चीज, या मेरे को लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाने, कैसे अगर मैं आज अपना नेटवर्क बनाना शुरू करूंगा, पावर ऑफ नेटवर्क, मैं बार बार बोलता हूं, एक व्यक्ति एक महीने में भी अगर आप वेस्टीज में लेके आते हो, अपनी डाउनलाइन में लेके आते हो, तो एक साल में कितने हो गए, कितने हो गए, अगर एक महीने में एक व्यक्ति को आप अपने नेटवर्क में लेके आते हो तो पूरे एक साल बाद कितने लोग हो जाएंगे आपके नेटवर्क में, 4096 लोग हो जाएंगे आपके नेटवर्क में अगर आप एक व्यक्ति को एक महीने में अपने नेटवर्क में लेके आते हो, 4000 लोग एक साल में हो जाएंगे। द पावर ऑफ नेटवर्क केवल सीखना है और करना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर एक व्यक्ति भी एक महीने में आप अपने पास देते हो, 30 दिन में एक व्यक्ति, बस इतना काम, ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, यस और नो, एक साल में 4000 लोगों की टीम होगी आपके पास, 4000 लोगों की, और ये 100% कैलकुलेशन है। फ्यूचर क्या है आपका, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, हाउ यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हो। दीपक जी आज 10,000 कमा रहा हूं, 5 साल बाद लगता तो है 20,000 कमा लूंगा, बट पता ही नहीं है कि मैं क्या करूंगा फ्यूचर में। अनसर्टेनिटी है हमारी जिंदगी में, क्यों, क्योंकि कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ थॉट नहीं है, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है, और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर फ्यूचर गाइस, ये आपकी जिंदगी है, आपकी, आपका ही फ्यूचर है, किसी और का नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, अरे तेज बोलो, क्या दिखाई दे रहा है, कौन, शेर, शेर को क्या बोलते हैं हम, जंगल का, क्या बोलते हैं हम, जंगल का, आप बताने गए थे उसे वो जंगल का राजा है, उसको कैसे पता वो जंगल का राजा है, या आपको कैसे पता जंगल का राजा है वो, एटीट्यूड क्या, आपको कैसे एटीट्यूड हो गया कि वो जंगल का राजा है, आप कैसे कह रहे हो कि वो जंगल का राजा है, अरे आपके पास तो दिमाग है, बट आप भी उसे जंगल का राजा पता है क्यों कह रहे हो, क्योंकि वो कहता है मैं ही राजा हूं, तो दुनिया कहती है तू ही राजा है, सिंपल।
जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, वो डे वन से कहते हैं मैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसकी आंखें देखो जरा, मैं कसम से कह रहा हूं साले की इतनी छोटी आंखें, इतनी ये सही तरीके से किसी चीज को देख भी नहीं सकता। मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी आंखें वर्ल्ड के सबसे खूंखार आंखें हैं? नहीं। अरे चील को देखो भाई साहब, वहां से एक चूहे को देख लेती है किलोमीटर भी, मतलब 50-100 किलोमीटर में भी एक चूहा दिख जाता है, उसे चू करके आगे पकड़ लेती है। उसकी आंखें देखो और इसकी आंखें देखो घोड़ों की। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी इसका मुंह देखो जरा, इसके बाल देखो, मैं तो मुक्का मारूं इसे, ये दांत देखो इसके, देख रहे हो इसके दांत, कोई क्या सबसे ज्यादा खूंखार दांत इसी के। इसकी हाइट देख लो, इतना सा है, इतना सा होता ही है। इसकी हाइट सबसे हाइट सबसे लंबी हाइट इसी की है, तो साले के पास है क्या? ना आंखें अच्छी, ना दांत अच्छे, ना हाइट अच्छी, ना दहाड़ अच्छी, और मजे की बात, कम से कम 16-17 घंटे सोता रहता है भाई साहब, बताओ। और अफ्रीका के घने जंगलों में जो अफ्रीकन टाइगर जो लॉयन होते हैं, आपको पता है वो तो साले शिकार करने भी नहीं जाते। बीवी जा हिरन लेके आ, उनका अलग ही चल रहा है, वो हिलते भी नहीं। आपको पता है ना, अफ्रीकन टाइगर जो लॉयंस होते हैं वो कभी शिकार नहीं करते, लॉयन नेवर गो फॉर हंट। क्यों पता है? क्यों क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं ही राजा हूं। वो कह रहे मैं ही राजा हूं, मैं क्यों जाऊं? जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बोली, आप सब लोगों के पास दिमाग है, आप इंसान हो, तब भी आप बेवकूफ हो, तब भी आप उसी को राजा कह रहे हो। क्यों? क्योंकि वो केवल अपने आप को राजा मानता है। That's all. Just imagine कि जानवर जो अपनी सोच से ये कहता है मैं वन ऑफ द बेस्ट हूं, इंसान भी कहने लग जाता है तू बेस्ट है। इससे बड़ा एग्जाम्पल इस पृथ्वी पे क्या सुनना चाहोगे दोस्तों? Just imagine कि हमारे पास तो दिमाग है, सब कुछ है, बट हम अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं भाई द किंग ऑफ जंगल। किसने बनाया पता नहीं, किसने शुरू किया पता नहीं, किसी ने कुछ नहीं पता, बट चलो भाई चलो। जस्ट इमेजिन, लीडर्स आर यूनिक पीपल, यूनिक डिफरेंट होते हैं। और मेरे को मतलब ये डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ, ऐसे नहीं होते कि इनके चार हाथ हैं, चार टांगे हैं, दो मुंह है, ऐसा कुछ नहीं होता, बट केवल इनके थॉट प्रोसेस, इनकी स्ट्रेटजीज बहुत अलग होती है, इनका थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है। ये यूनिक इसीलिए होते हैं क्योंकि ये सोचने की एबिलिटी कुछ अलग तरीके से होती है। और शिव खेड़ा ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है, उन्होंने कहा लीडर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तरीके बदलते हैं, काम नहीं बदलते, काम वही है। और हम सब लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में हैं, हम सब लोगों को भी नेटवर्क बनाना है, अगर करोड़ों रुपए कमाने हैं तो एक बात ही क्लियर है कि वो नेटवर्क से आएंगे, यही काम करना है। बट 20 सालों में हम तरीके अलग 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 बदलते रहते हैं, बस फर्क यही है कि लीडर्स आर यूनिक पीपल, दे थिंक डिफरेंटली, चीजों को अलग तरीका तरीके अलग निकालना बहुत इंपॉर्टेंट। वेस्टीज की मैनेजमेंट भी यही करती रहती है, क्या कि कभी ऑफर्स दे दी, कभी ज्वाइनिंग पे दे दी, कभी कैश दे दिया, कभी डिस्काउंट दे दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, दैट्स ऑल। और पिछले महीने डबल पीवी दे दिया कि भैया चलो बन जाओ DUCD, किसने रोका है? अगर अब भी DUCD नहीं बने ना, 5-10 हजार अगर कैलकटा में, तो कोई फायदा नहीं है। इस महीने अच्छा, पिछले महीने कितने लोग DUCD बने जरा, DUCD यू ग्राउंड से अबव कितने लोग बने पिछले महीने, क्या हाथ खड़ा करेंगे? खड़े हो जाए जितने लोग भी बने, खड़े हो जाइए जितने क्राउन एंड अबव जो पिछले महीने बने, 1-2 जिन्होंने, और जिन्होंने मेंटेन भी किया है, हाँ हाँ खड़े हो जाओ, क्या दिक्कत है, खड़े हो जाओ, क्या हुआ क्या? यस हाँ, जिन लोगों ने भी क्राउन एंड अबव मेंटेन किया है पिछले महीने,
क्राउन, यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी, जो भी मेंटेन किए, राइट, वंडरफुल लो। तो मैं चाहूंगा इन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो किया है, अब बैठ जाओ। अच्छा, अब इस महीने कितने लोग बनेंगे इन लोगों को छोड़ के? कितने लोगों को लगता है कि इस महीने वो क्राउन एंड अबव बनेंगे? कितने लोग खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ जो ये सोच रहे हैं कि वो इस महीने क्राउन एंड अबव बनेंगे। एक, दो, तीन, बस तीन लोग सोच रहे हैं। कौन? ओ, ऊपर भी है। यस, ओके, वेरी गुड। अच्छा, ऊपर भी है। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। हैं ऊपर भी बहुत सारे लोग, ओके। और जो लोग नहीं सोच रहे उनके लिए लोलुओ, सोचने पे टैक्स थोड़ी लग रहा है। अगर आप अभी सोच भी नहीं रहे कि आप क्राउन एंड अबव बनोगे, तो मैं टेक माय वर्ड, आप कभी जिंदगी में नहीं बनोगे। मैं बार बार एक ही चीज सिखा रहा हूं, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, वेरी सिंपल। जब मैंने कहा ना कितने बनेंगे, होना ये चाहिए था कि पूरे हॉल को खड़ा हो जाना चाहिए था और कहना चाहिए था, यस, मैं 100% सोचता हूं कि मैं इस महीने क्राउन एंड अबव बनूंगा। जब आप सोच ये लेके आओगे तभी आपकी जिंदगी बदलेगी दोस्तों, बस फर्क यही है। तो मैं दोबारा से पूछता हूं अब कि कितने लोग इस महीने क्राउन एंड अबव बनेंगे, क्या खड़े हो सकते हैं? वेरी गुड, सो गुड, एब्सोल्युटली। और यही थॉट प्रोसेस आपका आज के बाद होना चाहिए। यही सोचना है कि मैं ही हूं, यस, कि मैं ही इस पृथ्वी पे चेंज लाऊंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। एक बार जोरदार ताली इन सबके लिए। कम ऑन एवरीवन, थैंक यू। डेवलप सर्टेन टाइप्स ऑफ थिंकिंग एंड परसेप्शन दैट चेंज द वे यू सी द थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट, डेवलप सर्टेन टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस थिंकिंग। कुछ अलग सोच लेके आओ, बुक्स पढ़ो, वीडियो देखो, बहुत सारी चीजें। आप में से कितने लोग फेसबुक और इंस्टा पे हैं? हाथ खड़ा करें, ओके। तो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैंने एक नई चीज शुरू की है। मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे तो मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा, कुछ स्टोरीज आप लोगों के लिए डालूंगा। वो स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज है, राइट, और वो स्टोरीज के बहुत मायने हैं। तो जाके वो स्टोरीज जरूर सुनिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कहीं पे भी बैठ के आप लोगों के थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकूं। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ भी करके, और यही करना है, कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ थिंकिंग चेंज करनी है, परसेप्शन चेंज करनी है। जैसे हम अभी सोचते हैं, क्वालिटीज ऑफ लीडर, ईगल और लॉयंस, लेट डिस्कस अबाउट लॉयंस टुडे। कि ये ना तेज भाग सकता है, ना अच्छा देख सकता है, ना खूंखार दांत है इसके, ना हाइट है इसके पास, इसके पास कुछ भी वन ऑफ द बेस्ट नहीं है जो बाकी जानवरों के पास। बट केवल एक चीज, ये केवल मानता है कि मैं ही जंगल का राजा हूं, और ये चलता है, दुनिया कहती है, इवन ह्यूमन भी कहते हैं ये ही जंगल का राजा है। और निक ने केवल यही समझाया दुनिया को, टॉनी रॉबिन्स की ये लाइन कि जिस दिन आपने अपनी सोच अपने आप बदली, दुनिया भी बदल जाएगी दोस्तों, दुनिया भी आपको सैल्यूट करने लगेगी। बट पहले मैं बार बार बोलता हूं, अपने बारे में अपनी सोच बदलो। मैं केवल एक लाइन बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। मैं केवल, मैंने पिछले महीने कहा था स्टेज पे आ जाओ तो बहुत सारे हो गए थे, बट मैं कह रहा हूं कि एक फीमेल, एक जिसको लगता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट है ब्यूटी में, नॉलेज में, किसी चीज में भी, क्या वो खड़ी हो सकती है जहां यहां पे भी? ओह, ब्यूटी में, नॉलेज में, केवल एक बोला था, ओके। ये तो इतनी सारी खड़ी हो गई, थैंक गॉड मैंने इसीलिए स्टेज पे नहीं बुलाया, नहीं तो मुझे स्टेज से उतरना पड़ता। परफेक्ट, एब्सोल्युटली, द वे यू थिंक, जिस तरीके से आप सोचोगे, आप ही ब्यूटीफुल हो, आप ही गॉर्जियस, और आप ही वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंट फीमेल हो। एक बार जोरदार तालियां आपके बारे में, कम ऑन एवरीवन। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट केवल थॉट प्रोसेस को बदलना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू बिकम अ लीडर यू डोंट हैव टू बी इंटेलिजेंट। इंडिया में
आपको लगता है हमारे पड़ोसी देश स्टेट है आपका बिहार, वहां पे सीएम रहे थे जो आजकल अंदर बाहर जाते रहते हैं, अरे नाम नहीं लेना ना, समझ जाओ जेल करवा दोगे मुझे, ये भी पकड़ने आ जाएंगे, राइट। आपको लगता है कि वो आईआईएम आईआईटी कुछ हैं क्या, इंटेलिजेंट हैं? देखो फिर भी वो सीएम रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने स्मार्ट हो, कितनी हाइट है, कितना वेट है, या कुछ खास चीज है आप में, नो कोई खास भाई। सचिन तेंदुलकर अब आप देखो बेस्ट ऑफ द बेस्ट गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, बट वो एक क्या लीडर है? अमिताभ बच्चन गॉड ऑफ एक्टिंग उनको कहा जाता है, क्या वो लीडर है? इंपॉर्टेंट ये है, लीडर्स आर वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, उनके अंदर कोई खास बात हो ना हो, ना हो भी तब भी वो अपने आप को एक लीडर कहला सकते हैं। उनके ना बैटिंग आती है, ना बॉलिंग आती है, ना कुछ आता है, ना एक्टिंग आती है, बट दुनिया तब भी उन्हें सलाम करती है, तब भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट वैसा कैसे हो सकता है? उसके बावजूद भी अगर आपके पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी येट यू कैन बिकम माई इफेक्टिव लीडर, आप उसके बावजूद भी वन ऑफ द बेस्ट लीडर बन सकते हो 100%। ये मत सोचो कि उसके पास ये क्वालिटी है या वो बन गया या अच्छा बोल सकता है, नो, ये सारी क्वालिटीज आपके पास भी है। तो जब मैं इंडियन इंजीनियरिंग कोर्स करने गया तो मुझे केवल एक ही चीज सिखाई गई, सब कुछ आपके अंदर है, एवरीथिंग इज इनसाइड यू, बाहर तो कुछ है ही नहीं। और मैंने यही चीज सीखी 11 दिन में, मैंने केवल ये चीज सीखी कि मेरे अंदर तो ब्रह्मांड है, सब कुछ मेरे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो मुझे ज्ञान देना है सिंपल, बाकी सब तो मेरे पास ही है। और यही चीज केवल आपको अपने बारे में सोचनी है कि एवरीथिंग, हर चीज आपके अंदर है, आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आपको तो लोगों को देना है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लीडरशिप डिटरमाइंस एवरीथिंग। क्या आप फोटो देख रहे हो, किस किस की फोटो है? एक है शेर और एक है भेड़, एक है शेर और एक है भेड़। अब इन दोनों का कंपटीशन कराते हैं, मुझे एक बात बताओ, मान लो ये इधर आ गया एक शेर और इधर आ गई एक भेड़, शेर के पीछे जो उसकी सेना है वो है भेड़ों की, और ये भेड़ जो आगे लीडर है इसकी सेना जो है वो है शेरों की। लीडर यहां पे शेर लीडर है, यहां पे भेड़ लीडर है, बट सेना दोनों की डिफरेंट है, उसके पास शेर के पास भेड़े हैं और भेड़ के पास शेर है। अगर लड़ाई कराई जाए जीतेगा कौन, लीडर जिसकी भेड़ है या शेर है? कितने लोग कह रहे हैं भेड़ वाला जीतेगा, भेड़ लीडर जीतेंगे, भेड़ लीडर, क्योंकि सेना सारी शेर है। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं लीडर शेर है और सारी सेना भेड़ है? एब्सोल्युटली, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द लीडर, हर चीज केवल एक व्यक्ति पे डिपेंड करती है और वो है, अगर लीडर शेर है, अगर सेना भेड़ भी है तब भी वो कहेगा अटैक बस। भेड़ अगर लीडर है तो वो अपनी सेना को भी भेड़ बना देगा, वो 100% अपनी सेना को भी भेड़ बना देगा। अगर आप एज अ अपलाइन शेर हो तो आपके अगर डाउनलाइन भेड़े भी होंगी ना, आप उन्हें शेर बना सकते हो, बट अगर आप अपलाइन एज अ भेड़ हो तो आपके पास गलती से शेर आ गए ना, आपने उन्हें भेड़े बना देना है। और ये हकीकत है, और मैंने कई नेटवर्क ऐसे देखे जहां पे लीडर खूंखार होता है, डाउनलाइन बेचारी कुछ नहीं कर सकती, बट वो लीडर इतना पावरफुल और पैशनेट होता है कि डाउनलाइन पे आगे बढ़ती है, और यहां पे लीडर कुछ नहीं है, इतने अच्छी अच्छी डाउनलाइन होती है, वो भी बेचारी बैटिंग मायूस होती है, सर लीडर कुछ नहीं करने देता, सर अपलाइन कुछ नहीं करने देता, होता ही नहीं होता है। एंड दिस इज द फैक्ट, आपको कैसा बनना है, एज अ शेर की तरीके से बनना है या भेड़ की तरीके से बनना है? शेर या भेड़? शेर या भेड़?
एब्सोल्युटली शेर की क्वालिटीज लानी है, भेड़ की नहीं, डरपोक नहीं। जिंदगी मेरे स्लो, कल स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे था, राइट? पता है ना, उन्होंने कितनी अच्छी लाइन कही, उन्होंने कहा जिंदगी में रिस्क लो, रिस्क लेने से क्या होगा, पहला अच्छा हो जाएगा, दूसरा बुरा हो जाएगा, दो ही चीजें होंगी, पहला क्या होगा, या अच्छा हो गया तो आप सफल हो जाओगे, अगर मान लो आपके हिसाब से बुरा हुआ बट लर्निंग तो हो गई कि भाई ये काम दोबारा नहीं करना, तो अपने आप को और दुनिया को गाइड करोगे ये काम नहीं करना, सिंपल। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जिंदगी में रिस्क लो, रिस्क से सफलता भी मिलती है, अगर अच्छी हुई तो सफलता, बुरा हुआ तो लर्निंग। बट हम लोग तो सब रिस्क भी नहीं लेना चाहते, हम लोग तो भाग भी नहीं सकते या चाहते नहीं, कहते ठीक है जो डाउनलाइन कर रही है, जो कंसिस्टेंसी हो रही है, जो हो रहा है चलने दे। नो, अगर लीडर बनना है तो ये क्वालिटीज आपको आज से अपने अंदर लानी पड़ेंगी जो शेरों की है, और 100% मैं मानता हूं कि यहां पे जो 2,500 लोग बैठे हैं उनके पास पूरी कैपेबिलिटी एबिलिटी है कि वो शेरों जैसे आगे बढ़ सकते हैं, 100% वो बढ़ सकते हैं, वो सारी एबिलिटी आपके पास है, किसी और के पास नहीं। एन आर्मी ऑफ अ शीप लेड बाय अ लायन विल ऑलवेज डिफीट एन आर्मी ऑफ अ लायन लेड बाय अ शीप। राइट काइंड ऑफ लीडरशिप कैन ट्रांसफॉर्म अ टिमिड, टिमिड मतलब नॉर्मल, इनटू बोल्ड एंड फियरलेस पीपल। केवल लीडर पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वेस्टीज 2004 में लॉन्च हुई, लीडर मिस्टर गौतम बाली सर, जब लीड किया उन्होंने, बहुत सारी और भी कंपनीज आई, गायब हो गई, कई लोग वेस्टीज छोड़ के भी दूसरी कंपनियों में गए। बट मैं बता दूं, वेस्टीज तो समुंदर है, समुंदर, ये जो नदियां बह रही है ना, नाले छोटे छोटे, चिंता मत करो, सबको समुंदर में ही आना है, सबको समुंदर में ही आना है, 100%। और पिछले महीने आपको पता है एक व्यक्ति गए थे वेस्टीज छोड़ के, कहते मैं भी गौतम बाली बनूंगा, मैं भी गौतम बाली बनूंगा, वो बेंगलोर में गए और उन्होंने अपनी कंपनी खोली, 3 साल बाद अकल आ गई, कह रहे दीपक जी वेस्टीज करनी है। मैंने कहा आओ, आपको तो पता है हमारे एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर, वो तो हमेशा ऐसे ही खड़े रहते हैं शाहरुख खान स्टाइल में, कह रहे आ गले लग जा, वो तो किसी को मना करते नहीं, कोई फोन कर ले उन्हें, कोई बात कर लो आप, वो कभी ना नहीं करते, वो कहते बस आने दे। मैं कहता हूं सर नहीं, नो, आने दे दीपक, आने दे, वो तो ऐसे, वो तो कभी किसी को मना नहीं कर सकते, बस वो बताया ना मैंने, तो उन्होंने कहा आओ और देखो, जस्ट इमेजिन, तो मना नहीं होता, कोई बात नहीं। आज तारीख कितनी है, 13, आज लोहड़ी है, अच्छी डेट है, तो आज रात को न्यूक्लियर बम फोड़े, चलो इस महीने और 2 कंपनीज को मर्ज करके फोड़ते हैं, तो इसी महीने और कुछ करते हैं, तो आप लोगों को, और मैं बता रहा हूं, लोगों को लगता है यार, वो क्या एक कहावत है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड, लोगों को लगता है यार, अरे यार मैं बस चीज कर रहा हूँ यार, नहीं यार यहाँ पे नहीं हो सकता, मैं दूसरी कंपनी जाके देख लू। मैं कहता हूँ जाओ देख लो, 6 महीने 8 महीने, दीपक जी वेस्टीज में आईडी खोल दो, मेरी गलती हो गई मुझसे, एंड दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट, कोई टेंशन नहीं है। बट आज हम सब लोग समझदार हैं, हमें पता है कि वेस्टीज आज 20वीं सालगिरह इस साल मनाने जा रही है, कि ऐसी पहली भारतीय कंपनी जिसने इतने रिकॉर्ड आज ऑलरेडी तोड़ चुकी है, इतना सब कुछ कर चुकी है, हमारे लीडर मिस्टर गौतम बाली सर जो एक शेर की तरह सोचते चलते रास्ता दिखाते हैं हम सब लोगों को, और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। लीडरशिप डिटरमाइंस एवरीथिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, it does take respect for you to become a leader, it is your mind that makes you the leader, aapko aapki downline tab leader manna shuru karegi jab aap apne aap ko pehle leader manna shuru karoge, jab aap apne aap ko kahoge yes I am the leader, tab aapki downline kahegi yes he is the leader। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप, इट इज योर माइंड दैट मेक्स यू लीडर, यू एक्ट द वे यू थिंक, जैसा सोचोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा सोचोगे, योर बिलीफ, योर थिंकिंग, योर एटीट्यूड, योर फीलिंग्स,
जैसी भी आपकी सोच होगी आप वैसा ही काम करोगे, जैसी सोच वैसा काम और वैसा ही रिजल्ट आपको आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉट एक्शन रिजल्ट। आप जैसा सोचोगे वैसा ही काम करोगे और वैसा ही रिजल्ट आपके पास आएगा।